हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टाफ नर्स की नई वैकेंसी के बारे में। तो ये कहाँ की वैकेंसी है, कैसे का प्रोसीजर रहेगा, कैसे इसके फॉर्म्स को फिल करना है, फीस प्रोसीजर, सारा प्रोसीजर इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको सारी स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट का नोटिस है और नोटिस रिलीजिंग डेट 24/6/2022 है। वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर आपने याद रखना है 158 है। ये आपके जो है जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आपके लिए कंपलसरी होता है, याद रखना है आपने जिस जिसने भी ये फिल करनी है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 6 मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कहाँ की वैकेंसी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली की वैकेंसी है। तो नर्सिंग की वैकेंसी की बात करेंगे, स्टाफ नर्स की 20 वैकेंसी है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और एमएससी के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा इन नर्सिंग जीएनएम के बाद आपका 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिपीटेड हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में। 45 ईयर्स एज लिमिट है। 37,500 आपकी जो है सैलरी रहेगी पर मंथ। नेक्स्ट है मिडवाइफ की वन वैकेंसी है। बीएससी नर्सिंग के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, एमएससी के साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस एंड जीएनएम के साथ 4 ईयर का एक्सपीरियंस सेम है। 45 ईयर्स आपकी जो है एज लिमिट रहेगी। 37,500 इसकी भी सैलरी रहेगी। ऑपरेशन थिएटर नर्स की 3 वैकेंसी है। सेम इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, 45 ईयर्स आपकी जो है एज लिमिट रहेगी एंड 37,500 जो है इसकी सैलरी रहेगी। तो तीनों की यही है वैकेंसीज की डिटेल जो है आपकी स्टाफ नर्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन विल बी मेड एज़ पर प्रस्क्राइब नॉर्म एज रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब। आपने क्या करना है, जब आपने फॉर्म फिल करना है तो बेसिक किया आपने ऑफिशियल साइट को जो है ओपन करना है। मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बेसिल का एक फॉर्म फिल करा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप जो है फॉर्म फिल करना देख सकते हो कैसे फिल किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवा दोगे प्लीज़ टेक ए प्रिंट आउट, आपने प्रिंट आउट लेना है। अटैच द रिक्विजिशन सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और सेल्फ अटेस्टेड, वो आपने पीडीएफ फाइल बनानी है और सेंड करना है। कहाँ पे, ये वाले ईमेल आईडी पे hrsection@basil.com पे आपने सेंड करना है। फाइल नेम शुड बी फाइल नेम होगी जो उसका एप्लीकेशन आईडी होगा प्लस योर नेम, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन आईडी 12345 है एंड आपका नाम जो है, जो भी आपका नाम होगा फॉर एग्ज़ाम्पल ARUN, ये आपका नाम है। ऐसे आपने एडवर्टीजमेंट जो है एप्लीकेशन आईडी एंड अपना नाम लिखना है। सब्जेक्ट ऑफ ईमेल शुड बी एडवर्टीजमेंट नंबर, ईमेल का सब्जेक्ट होगा एडवर्टीजमेंट नंबर एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्टाफ नर्स के लिए, ऑपरेशन थिएटर नर्स के लिए, जिस चीज़ की वैकेंसी है आप देख सकते हो, ऑपरेशन थिएटर नर्स, मिडवाइफ या स्टाफ नर्स के लिए। तो ये इसका जो है मेन रहेगा। इसके बाद अगर कोई डाउट होगा, क्वेरी होगी तो यहाँ पे ऑनलाइन आपको जो है दिए गए हैं, फ़ोन नंबर दिया गया है और यहाँ पे 2 IDs दी गई हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन कौन सी है, 10/7/2022 है, 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, आपने ऑनलाइन जो है इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट आर एडवाइज टू हैव देयर फोटो सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, टेंथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कैन इमेज फॉर अपलोड फॉर फाइल साइज शुड नॉट बी एक्सीड 100 KB, 100 KB से तक ही आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है उनका साइज़ होना चाहिए। वो आपने पहले रिसाइज करना है, उसके बाद आपने जो है अपलोड करना है। रिसाइज का मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि कैसे आपने जो है अपने फॉर्म रिसाइज करने हैं। तो एक मैंने वीडियो आपको अपलोड कर देनी है जिसमें बेसिल का फॉर्म फिल करा है, तो वो आप देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो द वेबसाइट बेसिल। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रोसेस है वो सारी आपको जो है पता लग जाएगी उसमें कि क्या क्या प्रोसेस है, उसमें आप देख सकते हो। तो फीस की बात करें, जनरल के लिए 750 फीस है, 500 एक्स्ट्रा फॉर एडिशनल पोस्ट अप्लाई, ओबीसी के लिए 750, 500 एक्स्ट्रा,
एससी एसटी के लिए 450, एक्स सर्विस मैन के लिए 750, वुमेन के लिए 750 एंड ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 450। ये आपकी जो है फीस रहेगी, और एडिशनल अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अलग से रहेगा। तो इस पोस्ट की यही आपकी जानकारी थी, और जो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो होगी उनको आप जो है अच्छे से देख लेना, आपको सारी जो है नॉलेज मिल जाएगी कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, कैसे रिसाइज करना है। तो अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।